चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने कुशन लिया है, जिस भी नाप का आपने बनाना हो। ये है स्टैंडर्ड 16x16 इंच का जो कुशन होता है स्टैंडर्ड, वो साइज ले रही हूँ मैं। कुशन का नाप ले लिया मैंने, तो जितना भी आपका कुशन हो, कपड़ा आपको जिस भी कपड़े में से आप बनाना चाहते हैं 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो वो 16x16 इंच का था, इसलिए मैंने ये जो कपड़ा कट किया है, ये मैंने कट किया है 17x17 इंच का मार्जिन लेते हुए। 2 मिनट ये फ्रंट साइड साइड में रखते हैं और हम बैक साइड में इसके जिप लगा लेते हैं। इसके बराबर की हमें जिप चाहिए। जिप कैसे लगानी है, सीधी तरफ इस तरीके से है, सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है। यहाँ पे रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगाने, इस पे सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरीके से पलट दीजिए और यहाँ पे टॉप स्टिच लगा। ये देखिए ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। अब दूसरी तरफ अटैच कर लेते हैं। जिप को इस तरीके से रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा, ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे खोल लीजिए इस तरीके से और यहाँ पे भी टॉप स्टिच लगा, ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। तो देखिए इस तरीके से हमारी जिप अटैच हो गई। तो ये हमारे दोनों पीसेस आ गए, ये टॉप के लिए और ये बॉटम के लिए, और बॉटम वाले पे हमारे इस तरीके से जिप अटैच हो गई। अब हमें क्या करना है, ये मेन पीस ले लेते हैं इस तरीके से और इसे हम डेकोरेट करेंगे। तो बनाते हैं, वैसे ही मैंने देखिए इस तरीके से बना रखे हैं छोटे बड़े साइज की। ये बनानी कैसे है, कुछ मैंने बना रखी है, कुछ मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से बनानी है। देखिए इस तरीके से मैंने ऊन का यूज किया है, जो भी बची कुची ऊन हो, जिस भी कलर, तो जितनी भी लंबी आपको बनानी है इस तरीके से नापते हुए, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से हमें धागा लेना है और इसके हमें 4-5 तह ले लेनी है। 2 इस तरीके से ले लिया। इस तरीके से दूसरा कलर भी ले लेती हूँ। अगर ये देखिए अब जैसे नॉर्मल हम गुत बनाते हैं, वैसे हम इसकी बना लेंगे। देखिए गुत बना लेंगे, जैसे नॉर्मल चोटी बनाते हैं हम घर में बालों की, वैसे ही आपको चोटी बना लेंगे। देखिए इस तरीके से, तो लंबी छोटी, छोटी बड़ी साइज में हम इसे बनाएंगे। ये देखिए ये मैंने अलग अलग साइज से इसमें बना ली। देखिए एक लंबी, फिर छोटी छोटी, इस तरीके से तिरछे में, लंबाई में, छोटे में, डिजाइन में इस तरीके से बना ली और यहाँ पे रख दी। इसी तरीके से हमें इसे इसके साथ अटैच करना है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से निशान लगा लिया। अब हम इसे इसके साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसे अटैच करना है इस तरीके से रखते हुए, टसल्स नीचे की तरफ। और आप चाहे तो ग्लूगन से पेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपके पास ग्लूगन है, नहीं तो इस तरीके से सुई में धागा लेके हम इसे सुई और धागे से अच्छे से अटैच कर देंगे। इस तरीके से अच्छे से टांके लगाते हुए इसे पूरा अटैच कर दीजिए। इसी तरीके से हम इसे पूरे, ये सारी जैसे हमने बिछाई थी वैसे ही हम अटैच कर लेंगे सारी। ये देखिए ये मैंने पूरी यहां से लेके यहां तक स्टिच कर दी। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ जो नॉट लगाई थी इस तरीके से इस नॉट को खोल दीजिए। ये देखिए ये मैंने नॉट को खोल दिया और धागों को इस तरीके से आपको फैला देना है और यहां से इसे सुई और धागे से ही अच्छे से टक कर लीजिए। इस तरीके से धागों को मैंने अच्छे से फ्लैट बिछाते हुए
ताकि हमारा यहाँ मोटा ना हो, बाद में हमारी आराम से सिलाई लग जाए। ऐसे बिठाते हुए मैंने इसे स्टिच कर लिया। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो एक लड़ी मैंने इसमें पूरी इस तरीके से देखिए स्टिच कर ली, जैसे इसे किया है। अब बाकी की हम सारी कर लेंगे। मैंने सभी लड़ियों को इस तरीके से अच्छे से स्टिच कर लिया इसके साथ आपस में। और यहां से मैंने इस तरीके से ऊन को देखिए फ्लैट बिछाते हुए जैसे आपको ऊपर से बताया था उसी तरीके से किया है। अब आपको क्या करना है, ये रखा इसके ऊपर हमने ये जो जिप वाला पोर्शन बनाया था इसे रखना है। इस तरीके से रखते हुए यहां से लेके इसके चारों तरफ सिलाई लगा, मैंने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली। यहाँ पे हमने देखिए इस तरीके से ऊन को फ्लैट बिठा दिया तो यहाँ पे भी हमारी इजिली इसमें देखिए सिलाई लग गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ जिप वाले पोर्शन की तरफ से यहां से हम इसे सीधा कर लेंगे। तो मैंने जिपर को खोल लिया और यहां से इसे सीधा कर लिया। तो बहुत ही खूबसूरत देखिए इस तरीके से इसका डिजाइन बन गया। अब हम इसमें कुशन को इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ जिपर वाले पोर्शन की तरफ से यहाँ से कुशन को इंसर्ट कर लिया। ये देखिए यहाँ से इसमें मैंने कुशन को इंसर्ट कर दिया। यहाँ से जिप लगा दी तो बैक साइड से देखिए हमारा जिपर एनक्लोजर वाला बन गया। फ्रंट साइड से देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत इसका ये देखिए इस तरीके से डिजाइन बन गया है। बहुत ही खूबसूरत लगी देखिए इसका डिजाइन लग रहा है। तो घर में पड़ी बच्ची कुची ऊन से हमने बनाया। देखिए इस तरीके से डिजाइनर कुशन आप भी घर में बना सकते हैं। मार्केट में लेने जाते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं इस तरीके के, तो आप घर पे ही देखिए इस तरीके से इसे बना सकते हैं। तो एक मैंने ये बना लिया, इसके साथ मैचिंग एक मैं इस कलर का बनाऊंगी प्लेन और एक मैं इस कलर का बनाऊंगी। तो मिक्स एंड मैच करके इस तरीके से मैं इसे बनाने वाली हूँ। तो एक मैं इस कलर में बनाऊंगी और एक मैं इस तरीके से ऑरेंज कलर का बनाऊंगी। तो चलिए हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। देखिए ये वाला हमारा रेडी हो गया इस तरीके से, तो हम दूसरे वाला डिजाइन बनाते हैं। अब दो मिनट इसे साइड पे रखते हैं। ये देखिए ये दूसरा डिजाइन बनाने के लिए देखिए इस तरीके से मैंने कपड़े में से कट किया हुआ है। ये भी मैंने सेम लिया है 17 इंच बाय 17 इंच, जैसे हमने इसे बनाया था ये वाला बनाया था सेम हमने ये भी वही उसी साइज का लिया है। अब हमें सेम क्या करना है, जैसे हमने पहले किया था इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसे यहाँ से सेंटर में अलग, तो हम इसे बीच में से कट कर लेंगे। सेम वैसे ही बना रही हूँ जैसे हमने फर्स्ट वाला बनाया था, बस हम इसे थोड़ा सा प्लेन रखेंगे, इसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज करेंगे इस तरीके से। अब जैसे जिप को हमने यहाँ इंसर्ट किया था वैसे एक जिप लेके यहाँ भी इंसर्ट कर लीजिए। जिप को इंसर्ट कर लिया जैसे हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में किया था। अब हमें क्या करना है, दूसरे वाला लेना है इस तरीके से, इसके ऊपर रखना है, इसके चारों तरफ सिलाई लगा। ये देखिए ये इसके चारों तरफ मैंने सिलाई लगा ली। अब यहाँ से जिप वाले पोर्शन की तरफ से हम इसे सीधा कर, ये देखिए ये मैंने इसे सीधा कर लिया। तो यहाँ से हमारा जिप एनक्लोजर बन गया, यहाँ से हमारी ये फ्रंट साइड हो गई। तो इस तरीके से देखिए हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके चारों तरफ इसे टसल से डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने इस तरीके से ऊन लिया है, तो इसी के मैं बना रही हूँ। आप चाहे तो कंट्रास्ट कलर में भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सेम कलर बनाना है। कोई भी कंट्रास्ट कलर ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, व्हाइट ले सकते हैं, कोई भी कलर लगा सकते हैं इसके साइड में। तो मेरे पास सेम कलर पड़ा था तो मैं सेम कलर यूज कर रही हूँ। इसके चारों तरफ हम लपेट लेंगे। तरीके से आ गया। अब हम पहले इसे सेंटर में से बांध लेते हैं। ये मैं ले गई धागा सेंटर में, पहले मैं सेंटर में नॉट लगा लेनी है। सेंटर में नॉट लगाने के बाद इसे इस तरीके से पलटना है। पलटने के बाद यहां से अप्रोक्सीमेट 1 इंच नीचे की तरफ आते हुए देखिए इस पे इस तरीके से राउंड करेंगे हम, और इसे हम नॉट लगा देंगे। अब हम इसे बराबर कट कर लेंगे। ये जो ये देखिए तो बहुत ही खूबसूरत देखिए इस तरीके से हमारा ये टसल बन गया। अब हमें बस इनके साइड में इसे लगाना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से शुरू करते हुए हम चारों साइड में इसके लगाएंगे। तो शुरू कहाँ से लगाना करना है आपको, यहाँ कॉर्नर से
सबसे पहले यहाँ कॉर्नर पे लगाना है, चारों कॉर्नर पे, फिर बीच में जितना भी स्पेस बनता है उस पे लगाना है। तो यहाँ से जस्ट इसे हम इसे यहाँ से देखिए टक कर देंगे। तो अच्छे से इसे, अगर आपके पास कोई बीड्स वगैरह है तो आप बीड्स भी लगा सकते हैं इसके बीच में, यहाँ पे बीड के साथ भी इसे टक कर सकते हैं। तो अच्छे से सुई और धागे से मैं इसे अटैच। ये देखिए, ये मैंने इसे अटैच कर लिया। तो एक अटैच कर लिया, बस इसी तरीके से हम बाकी के ऊन से भी बना लेंगे और बना लेंगे, और इसके हम चारों तरफ अटैच कर लेंगे। तो चारों तरफ अटैच करने के बाद ये हमारा देखिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा इस तरीके के कॉम्बिनेशन पे। और जैसे इसे रेडी किया सेम ऐसे ही, सेम प्लेन रखते हुए इस तरीके से टसल बनाते हुए हम इसे भी रेडी कर लेंगे। तो जब सारे टसल लगा लेंगे तो ये आपके इस तरीके से देखिए तीनों डिजाइन बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा रेडी हो गया, बस यहाँ पे टसल लगा लीजिए तो हमारा बिल्कुल रेडी टू यूज है। 1, 2, 3 तीनों डिजाइन हमारे इस तरीके से रेडी हो जाएंगे। आगे मैंने आपको इमेज में फाइनल लुक दिखाई हुई है कि कैसे दिखेगा।